लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए News 29 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का News 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। इंदौर के मल्हारगंज थाना क्षेत्र के हेमू कॉलोनी में पिछले एक माह पूर्व 10 लाख रुपए की लूट की घटना को दो बाइक सवार बदमाशों ने अंजाम दिया था, जिसके पुलिस को कुछ फुटेज भी मिले थे, लेकिन बदमाशों के फुटेज साफ नहीं आने की वजह से पुलिस बदमाशों को पकड़ नहीं पा रही है। वहीं पुलिस की लाख कोशिशों के बाद भी बदमाशों को पकड़ने में नाकाम सी साबित हो रही है, जिसको लेकर आज सोनी समाज के लोग बड़ी संख्या में DIG रुचिवर्धन से मिलने पहुंचे, जहां समाज के लोगों ने जल्द से जल्द लूट करने वाले बदमाशों को पकड़ने की मांग करते हुए DIG को एक ज्ञापन सौंपकर अपनी बात रखी। वहीं DIG परिसर में समाज के लोगों ने जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़ने को लेकर नारेबाजी भी की। ब्यूरो रिपोर्ट, News 29 इंडिया। हम सब स्ट्रॉन्गर बंधु यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। हमारे भाई विजय सोनी जी जिनकी दुकान कमला नेहरू कॉलोनी में है, वहाँ दुकान से मंगल करके ये सब घर जा रहे थे। तब तीन लोग घात लगाए बैठे हुए थे, पहले से निगरानी कर रहे थे और घर के सामने ही 10 लाख रुपए करीबन लूट करके ये लोग बाइक से भग गए। उसके फुटेज भी पुलिस को हमने दिए हैं और करीब अभी एक महीना करीबन हो गया और एक भी चोर नहीं पकड़ाया है। हमारा पुलिस प्रशासन से निवेदन है कि जल्द से जल्द अपराधियों को पकड़े। और इस प्रकार की हमारे यहाँ इंदौर जिले में और धार जिले में मिला के 3 घटना हो चुकी है और अभी तक कोई भी अपराधी पकड़ाया नहीं है। तो हम सभी मेड छत्तीसों का मेवाड़ा समाज के सभी समाज बंधु यहाँ पर इकट्ठा हो के DIG साहब को ज्ञापन देना है कि अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़े और उचित कार्रवाई करें। आपका नाम बताओ? योगेंद्र सोनी, मेट छत्तीसगढ़ का मेवाड़ा समाज कोषा अध्यक्ष और मध्य प्रदेश विचार मंच अध्यक्ष। लगातार खबरों के लिए बने रहिए News 29 इंडिया के साथ। एक देश सारे प्रदेश।